लेट्स गो फॉर द डेट. मैं रेडी हो चुकी हूँ, घर से निकल रही हूँ. जिसके साथ मेरी डेट है मैं उसको पिक करूंगी. एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. मैंने वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप पे वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत अच्छे लगेंगे, प्लीज ट्राई करें. और दिसंबर की ये ठंड और हैदराबाद में ये रोड. मीट माय गर्लफ्रेंड. सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ. मदद, मैं हूँ आपके अपनी दुआ में. आज मेरी स्पेशल डेट है जिसके लिए मैं तैयार हुई हूँ. तो मेरी डेट किसके साथ है, अभी तो कोई नहीं है मेरे साथ, आप देख सकते हैं मेरी डेट किसके साथ है और मेरी डेट कहाँ है. ये जानने के लिए सस्पेंस तो जरूरी है ना. तो डेट आज की बड़ी प्यारी, बहुत सुकून वाली डेट होगी मेरी और बहुत ही अच्छे इंसान के साथ होगी जिसकी जिंदगी में, मतलब मेरी जिंदगी में जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है. और मैं समझती हूँ कि मुखलिस और अच्छे और सच्चे इंसान जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं. तो लेट्स गो फॉर द डेट. मैं रेडी हो चुकी हूँ, घर से निकल रही हूँ. जिसके साथ मेरी डेट है मैं उसको पिक करूंगी और कहाँ जा रहे हैं वो आपको जरूर बताएंगे. कीप इन टच, कमेंट्स में जरूर बताया करें कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है. और स्नैपचैट पे जितने भी लोगों ने मुझे ब्लॉग के बारे में आइडिया दिए, इंशाल्लाह जरूर 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 मैं उनके ब्लॉग्स उनकी मर्जी से बनाऊंगी मेरे ब्लॉग्स, ताकि आप लोगों की जो भी ख्वाहिशात हैं मुझसे पूरी हो सकती हैं. मेरे ब्लॉग में देखना चाहते हैं वो मैं आपको जरूर दिखाऊं. जैसे कि आप मेरे चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स देखते ही रहते हैं और आपकी आज मैंने फरमाइश भी पूरी कर दी है. मैंने वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप पे वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत अच्छे लगेंगे, प्लीज ट्राई करें. मैं इसलिए नहीं करती थी कि जो है मेरा वेट थोड़ा सा ज्यादा है और मैं थोड़ी चबी हूं, तो मुझ पे इस टाइप की ड्रेसेस मुझे अच्छी नहीं लगती थी. खैर, आपकी फाइनली रिक्वेस्ट के बाद और आपकी बात रखने के लिए, क्योंकि आप हैं तो मैं हैं, मैंने ड्रेसिंग कर ली है और इंशाल्लाह आपको कंप्लीट ड्रेस भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी. और आज हम निकले हैं आउटिंग पे, तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको जरूर बताएंगे क्योंकि रात का टाइम है, ठंडा ठंडा मौसम है और सर्दियां हैं. तो सबसे पहले तो हम विंटर को वेलकम करेंगे, हैप्पी विंटर. और दिसंबर की ये ठंड और हैदराबाद में ये रोड. मैं पहुंच गई हूँ उसको पिक करने के लिए जिसके साथ आज मेरी डेट है. स्पेशल डेट है, स्पेशल दिन है, तो थोड़ा सोचना चाहिए. फाइनली हम पहुंच चुके हैं और जिसके साथ मेरी डेट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. तो मेरी डेट है इसके साथ. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस. हम सर्दी में डिनर करने के लिए आए हैं. मुस्कान साड़ियों जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं. आप इसको जानते तो होंगे. तो मीट माय गर्लफ्रेंड हो तो मेरी बॉयफ्रेंड हो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाकई दोनों है. तो अब हम डिनर करेंगे, हमारे साथ रहेगा. मुस्कान से भी अपनी बात करवाऊंगी. बैग पे देखो. हाय, हेलो. वाओ, परी आ गई. और ऑलमोस्ट हमने ट्यूनिंग ही की है, पर मसला ये कि हम लोगों के पास सेम शर्ट्स नहीं है. तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में हम ट्यूनिंग करने की कोशिश करेंगे. ये है कबाब जी का फैमिली हॉल, यहाँ पर मुझे फूल ठीक है. ये फैमिली हॉल है, बहुत ही प्यारा. और अब हम जाएंगे इंडोर, अब हम चलते हैं इंडोर की तरफ. Oh.
बहुत मजे की आई है तो अच्छा जी तो फाइनली हम लोगों ने डिनर किया है और कैसा लगा आपको डिनर? बहुत मजे का। अच्छा था? हाँ। आप मुस्कान ने कबाब जी का झूला झूला है कभी? से यस और नो? नो। अब ये जिद कर रही है बच्चों की तरह के। मैं बहुत डरती हूँ ऊंचाई से। ये ऊंचा तो नहीं है ना? नहीं ये ऊंचा नहीं है, बाकी इतनी सारी ऊंची चीजों से नहीं डरती। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, बहुत नहीं होना चाहती ना। नहीं अल्लाह आपको जिंदगी दे, ये बहुत मजे का झूला है, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो आज मैं मुस्कान के साथ डेट पे आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे लिए दुआ कीजिएगा। पहले आपको झूला दिखाते हैं और हम अंदर जाके अपनी टिकट देते हैं। तो ये है यहाँ के मजे मजेदार झूले। मुस्कान हम इसमें नहीं बैठ सकते? पूछो उनसे इसमें।
भी तो बच्चे हैं। फाइनली एक ये झूला है प्ले एरिया। टिकट काउंटर टिकट दे दे। कितनी? मैं दो बार झूलूंगी, दो बार, चार चार टिकट दो ही होंगी, चार। मुस्कान आर यू रेडी? आर यू रेडी? पक्की बात है? एक और खुशखबरी है कि मेरे चैनल पे तो आप मुस्कान को देख रहे हैं, मुस्कान के अपने चैनल पे भी आप मुस्कान को देख सकते हैं। मुस्कान का चैनल इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है, तो लाजमी उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुस्कान आप व्लॉग कब बनाओगी? यार व्लॉग में बहुत सुस्त हूँ, और ये तुम कैमरा पकड़ के चल रही हो, बात कर रही हो, मुझसे तो ये भी नहीं होता। ये मेरी दोस्त बहुत ज्यादा सुस्त है, तो इसका व्लॉग भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो ये है हमारा झूला जिसमें हम जा रहे हैं, हमारा झूला और ये हमारी चार टिकट्स हैं। चार चार दफा ये झूला झूलेगी? चार चार दफा नहीं, दो दो दफा, दो दफा मेरा, दो दफा तुम्हारा। रेडी? इसको नहीं पता कि मैंने दो दो दफा की टिकट्स लिए। भाईजान थोड़ा तेज चलाइएगा। ये है हमारा झूला। कान चांडियो तुम्हारे जूते का ओ चनियाणी चनियाणी सामान तरक्की अच्छे वाली वाली हली वाली वाली ए चांडियाणा क्या हुआ? कैसे चले जाए बताओ पहले, वरना मैं गिर जाऊंगी। चांडियाणी की हालत देंगे? नहीं नहीं एक बार और, ये देखो मेरे बालों की हालत। यहाँ पर मैं पटकी हूँ, आप देख सकते हैं सारे कौन था किस बालों में, सब कुछ देख लिया मेरा। उठे थी मेरा हाथ। कैसा लगा झूला पहले ये बताओ? मुझे बहुत खतरनाक लगा, ये सेंसिटिव लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कौन से लोगों के लिए? जैसे मुझे बताया था। किसके लिए नहीं है बताना? अरे कहना क्या चाहते हो? ये ना बहुत खतरनाक जो लोग हो ना, कमीने लोग, जो बर्दाश्त कर सकते हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं। चांदियाड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा सामान नहीं लिया आपने? दूसरी दफा बैठोगी? अब आपको समझ में आया मैंने दो टिकट क्यों ली थी? फाइनली हम लोगों का डिनर कंप्लीट हो गया। चैनल के सब्सक्राइबर बिल्कुल न विसारजो। हाँ असा वजू था पंजे घर की तरफ एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।